यूपी में 1 करोड़ छात्रों को मिलेगा लैपटॉप और टैबलेट। सीएम ऑफिस की तरफ से जो है किया गया है ट्वीट, साथ में जो है वीडियो भी शेयर किया गया है, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यहां पर जो है सारी डिटेल दी जाएगी। प्रदेश सरकार 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट स्मार्टफोन देने की सुविधा उपलब्ध कराएगी। स्नातक परास्नातक तकनीकी और डिप्लोमा के नौजवानों को इस योजना के साथ जोड़ा जाएगा, यानी कि सभी आईटीआई डिप्लोमा स्नातक परास्नातक सभी छात्रों को जो है लैपटॉप देने की सुविधा यहां पर प्रदान की जाएगी, टैबलेट और स्मार्टफोन यहां पर दिया जाएगा। तो चलिए जो है इस वीडियो को भी देख लेते हैं। हम लोगों ने एक निधि का गठन किया है, सरकार के स्तर पर 3000 करोड़ रुपए की यह एक निधि प्रारंभ हो रही है। 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट या स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध कराएगी सरकार। स्नातक परास्नातक तकनीकी और डिप्लोमा करने वाले नौजवानों को हम इस योजना के साथ जोड़ेंगे और उसकी आवश्यकता के अनुरूप डिजिटल एक्सेस भी उसको फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। इस निधि में एक प्रावधान होगा कि हम सीएसआर से भी, अन्य वित्तीय संस्थाओं से भी और विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाओं से भी हम इसमें राशि लेकर के एक बड़ा कोष का गठन करेंगे। तो क्या लगता है, आप सभी अपनी राय कमेंट कर सकते हैं कि यूपी सरकार जो है आप सभी को स्मार्टफोन और टैबलेट दे पाएगी या फिर जो है चुनावी वादा ही है? क्या प्रदेश सरकार जो है आप सभी को लैपटॉप और देने में सक्षम है? आप सभी अपनी राय जो है कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।